गुड आफ्टरनून क्लास। इकोनॉमिक्स कल पढ़ा रहे थे, इकोनॉमिक्स में पढ़ाया था प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना और चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। अरे हम तो घबरा का है, द्वितीय तृतीय मतलब एक दो तीन चार पाँच ऐसे होता है, वो घबरा रही है कहीं ये वो दूसरी पंचवर्षीय योजना चल रही है। इकोनॉमिक्स स्नेहा, इकोनॉमिक्स 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 कितने बार भाई हमने बताया कि प्रथम जो पंचवर्षीय योजना थी उसमें प्रथम पंचवर्षीय योजना योजना आयुक्त ये आती नहीं बात में लगता है। देखना जब प्रथम पंचवर्षीय योजना देखो, जब देश आजाद हुआ, जल्दी समझ लो तुम, देश आजाद हुआ, देश आजादी के बाद सब लोगों ने कहा जैसे संविधान निर्माण हुआ था वैसे ही कई कई लोगों को बिठाया गया, बुद्धिमान लोगों को बिठाया गया, उनसे कहा गया तुम देश के लिए योजना बनाओ, योजना बनाओ मतलब प्लानिंग बनाओ ताकि देश आगे बढ़े, यहां तक कोई दिक्कत है? अब जब ये योजना बनाएंगे तो ये कहते हैं भैया हम एक दो साल के लिए योजना नहीं बनाएंगे, कौन कहता है? योजना आयोग बने, ये कहते हैं हम पांच साल के लिए योजना बनाएंगे, सरकार भी कितने साल रहती, पांच साल, क्लियर है? तो इसी पांच साल के लिए जब ये योजना आयोग योजना बनाएगा तो इसको कहेंगे पंचवर्षीय योजना, बताओ कोई दिक्कत? पंचवर्षीय योजना कहेंगे, प्रथम पंचवर्षीय योजना बताए थे, प्रथम पंचवर्षीय योजना में जब देश आजाद हुआ, जब तुम जेल से निकलोगे, जब तुम आजाद हुए तो सबसे पहले पेट अपना देखोगे या बढ़िया ये सब कपड़े उपड़े बढ़िया देखोगे? पहले पेट देखोगे, पेट को भरने के लिए खाने की जरूरत है, और खाना कहाँ से आता है? कृषि से, कृषि से आएगा नहीं आएगा, खेती से। तो पहले फोकस किस पे करेंगे प्रथम पंचवर्षीय योजना पे, प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि पे। कृषि सिर्फ कुछ लोगों के हाथों में थी इसलिए सरकार एक नियम लाई, हदबंदी नियम। हदबंदी में कहा भैया हद में रहो, अपनी हद में रहो मतलब एक एक दो दो तीन तीन हजार बीघे खेती एक इंसान के पास है, और उस इंसान को क्या कहते थे गांव में? जमींदार। जमींदार को हद दिखाने के लिए, उनकी औकात में रहने के लिए क्या नियम कानून लाए? हदबंदी। हदबंदी में कहा तुम 200 बीघे जमीन रखो, 200 बीघे जमीन रखो, 200 बीघे से जमीन अगर जाता है तो वो किसको दी जाएगी? जिसके पास जमीन नहीं है, जिस किसान के पास जमीन नहीं है उसको दे दी जाएगी, क्लियर हुआ? ये सब बता दिए थे, प्रथम पंचवर्षीय योजना बताए, द्वितीय बता दिए, तृतीय बता दिए, और अब कौन सी बता रहे थे? चौथी पंचवर्षीय योजना। चौथी पंचवर्षीय योजना में ये चौथी पंचवर्षीय योजना में सब बता दिए थे भैया। तृतीय पंचवर्षीय योजना को दुर्भाग्य योजना कहते हैं, तृतीय पंचवर्षीय योजना को दुर्भाग्य योजना क्यों कहते हैं? क्योंकि उसी योजना के दौरान पाकिस्तान से लड़ाई हुई और चाइना से लड़ाई हुई, लड़ाई में नुकसान होता फायदा होता बताओ? तुम किसी से लड़ जाओ भैया, लड़ाई तुम लड़ाई का नाम ही है नुकसान, तुम लड़ाई करोगे कभी फायदा नहीं, दोनों पार्टी का नुकसान ही होगा। लड़ाई जाओगे, लड़ाई करके जाओगे, थाने जाओगे, तुमसे भी 10,000 रुपया लेगा, उनसे भी 10,000 लेगा, बताओ दोनों लोगों का है घाटा नहीं? तो लड़ाई होगी किससे किससे? भारत की पहले हुई चाइना से 1962 में, 1965 में किससे हुई? पाकिस्तान से। पाकिस्तान से जब लड़ाई होगी तो घाटा होगा नहीं होगा? घाटा हो गया तो बताओ ये अपने आप को सुदृढ़ करेगा नहीं करेगा? अपने आप को उठाएगा ऊपर नहीं उठाएगा भारत? जब ये लड़ाई हुई तो हमारे पास खाने के लाले पड़ गए, बहुत भैया दिक्कत आ गई, खाना पीना नहीं रह गया, लोग भूख के मारे मरने लगे। तो उस टाइम के प्रधानमंत्री गए अमेरिका, अमेरिका जाके कहा कि हमको खाना दे दो, सुनना हमारे देश में लोग भूख के मारे मर रहे हैं, हमको खाना दे दो। उसने घोड़े वाला खाना दे दिया, जो घोड़े को खिलाते थे तबेला जो होता है घोड़े का, जो घोड़े को खिलाते थे वो किसको दे दिया? भारत को। भारत ने ले तो लिया लेकिन उसने कहा अब हम अपने आप को इतना सक्षम बनाएंगे
कि अगर दुनिया को कभी जरूरत पड़ेगी खाने की तो हम उसको दे देंगे, लेकिन अब कभी हम ये घोड़े वाला खाना नहीं लाएंगे। क्लियर है? और इसके लिए ये क्या लाएंगे? हरित क्रांति। हरित क्रांति कल बता रहे थे, ध्यान से सुनना। हरित क्रांति कौन सी पंचवर्षीय योजना है? फोर्थ। चौथी पंचवर्षीय योजना, फोर्थ फाइव ईयर प्लानिंग कहते हैं इसको। फोर्थ फाइव ईयर प्लानिंग कहते हैं। इस फोर्थ फाइव ईयर प्लानिंग में क्या आया है? हरित क्रांति लाई गई। हरित क्रांति में देखना, पहले जो गेहूं बोया जाता था, मान लो एक किसी का घर है, घर नंबर एक, ठीक है, अब इसके पास दो बीघे जमीन है, दो बीघे जमीन में इसने गेहूं बोया, समझना ध्यान से, दो बीघे जमीन में गेहूं बोया, इसमें से गेहूं निकला दो क्विंटल, दो क्विंटल गेहूं निकला, 200 किलो, दो क्विंटल, समझ में आ रहा, 200 किलो गेहूं निकला। अब ये 200 किलो में से 180 किलो खुद खा जाएगा एक साल में पूरा परिवार मिलके, इसमें से 20 किलो बचा लेगा, बचा के उसी खेत में फिर से बोएगा। लेकिन ये जो 20 किलो बचा के बोने जा रहा है, इसकी पैदावारी कम होगी, उत्पादन क्षमता कम होगी। तो भैया ये जो उस टाइम के एमएस स्वामीनाथन, एमएस स्वामीनाथन जी, एमएस स्वामीनाथन जी इस घर से क्या करेंगे कि तुम हमको ये 20 किलो गेहूं दे दो। इस घर वाले से क्या कह रहे हैं? 20 किलो गेहूं हमको दे दो। वो कह रहे हैं काहे दे दे तुमको? कह रहे हैं इस गेहूं को हम ऐसा बनाएंगे, समझना, इस गेहूं को हम ऐसा बना देंगे कि अब जो तुम 20 किलो में 200 किलो निकलता था, 20 किलो में जो 200 किलो निकलता था, अब ये इसी 20 किलो में कितना निकलेगा? 1000 किलो। तो बता, ये घर नंबर एक वाला इंसान दे देगा गेहूं? नहीं दे देगा, देगा? ये एमएस स्वामीनाथन को गेहूं दे देगा। क्लियर हो रहा, समझ में आ रहा है? ये इस गेहूं को ले जाएंगे लैब में, लैब में हमने तुमको बताया है ये हर चीज सेल से मिलके बनी, जो लिविंग थिंग्स है वो सेल से मिलके बना है, समझ में आ रहा है? सेल से मिलके बना मतलब गेहूं का वो जो दाना है, गेहूं का दाना, ये गेहूं का जो दाना है, इसके अंदर सेल होंगी नहीं होंगी? इसके अंदर भी हजारों सेल है, हजारों सेल है। इस हजारों सेल में से, इस पूरी हजारों सेल में से माइक्रोस्कोप लगाएंगे, हजार सेल दिखेंगी, हजार सेल में से एक सेल को बाहर निकाल लेंगे, समझ में आ रहा है? हजार सेल में से एक सेल को बाहर निकालेंगे, कौन? एमएस स्वामीनाथन, समझ में आ रहा है? एक सेल को बाहर निकालेंगे, इसमें ना माइटोकॉन्ड्रिया से बोलेंगे, ना ओक्यूल से बोलेंगे, ना राइबोसोम से बोलेंगे, किसी से नहीं बोलेंगे। जो बीच में है, यहां बीच में, इसका नाम है केंद्रक। इसका नाम क्या है? केंद्रक। इंग्लिश में कहते हैं न्यूक्लियस। इंग्लिश में क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। ध्यान तो समझ में नहीं आया, इसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। इसी न्यूक्लियस में क्या है? क्रोमोसोम। समझ में आ रहा है? इसी न्यूक्लियस में क्या है? क्रोमोसोम। नहीं दिख रहा क्या? देखो, इसी न्यूक्लियस में क्रोमोसोम है, और ये क्रोमोसोम के अंदर डीएनए है, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए, ठीक है, और इस डीएनए के अंदर क्या है? जीन है। समझ में आ रहा है?
देखो साइंटिस्ट कितना होशियार है, और ये जीन ही डिसाइड करता है कि उत्पादन क्षमता क्या होगी। ये जीन ही डिसाइड करता है उत्पादन क्षमता क्या होगी। गेहूं को लिया, गेहूं के एक सेल को निकाल लिया, गेहूं का एक दाना लिया, उसमें 1000 सेल है, 1000 सेल में से एक सेल को निकाला, एक सेल जो निकाली सेल के पूरी सेल का कुछ नहीं किया, कुछ खखोरा नहीं, केवल बीज वाला भाग जिसका नाम है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस को निकाल दिया। न्यूक्लियस क्रोमोसोम, बहुत सारे क्रोमोसोम जब एक साथ मिल जाते हैं तो क्या बनाते हैं, न्यूक्लियस। समझ में आ रहा है? और बहुत सारे डीएनए मिलके क्या बनाते हैं, क्रोमोसोम। समझ में आ रहा है? बहुत सारे डीएनए मिलके क्रोमोसोम बनाएंगे, बहुत सारी जीन मिलके डीएनए बनाएंगे। समझ में आ रहा है नहीं समझ में आ रहा है भैया? डीएनए ऐसे हमने जीन ले ली है ना, बहुत सारी जीन ले ली, जीन को ऐसे चिपका दिए तो क्या बन जाएगा, डीएनए बन जाएगा, और डीएनए को और चिपका दिए तो क्या दिखेगा, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम को भी और चिपका दिए तो क्या दिखेगा, न्यूक्लियस। इसी को क्या बोलते हैं, केंद्रक। न्यूक्लियस कैसा होता है ये देखो, सेप इसका, ये है न्यूक्लियस का सेप, और ये है क्रोमोसोम का डबल हेलिकल मॉडल। ये कैसा है, क्रोमोसोम को, क्रोमोसोम का मॉडल है, और डीएनए को ऐसे इसके अंदर खखोरे तो ये भाले जैसा तो दिख रहा है, और साइंटिस्ट इतने में मान जाएगा, और बहुत खतरनाक साइंटिस्ट होते हैं। अब इसके अंदर ऐसे ऐसे खखोरेंगे, इसको जब खखोरा तो देखा क्या है, डीएनए डबल हेलिकल मॉडल, ऐसे डीएनए ऐसा ही होता है। ये डीएनए को देखा, ये जब डीएनए को देखा, डीएनए को पकड़ के खींच लिया, ये इसकी टांग पकड़ के ऐसे खींच ली, और इसकी टांग पकड़ के खींची तो इसमें अलग अलग स्पॉट ये पड़े हुए हैं, ये स्पॉट पड़े हुए पूरे लेग में स्पॉट पड़े हुए, तो इसको क्या कहा, जीन कहा। समझ में आ रहा है? ये देखो, ये न्यूक्लियस से क्रोमोसोम, क्रोमोसोम से डीएनए, डीएनए से जीन, जीन। उसके बाद जब इसको पूरा बिखरा दिया ऐसे करके, उसके बाद दूसरे वाले ने कहा इसको समेट के रखो, नहीं तो अभी तुमको पीट पाट देंगे। किससे कहा, एम एस स्वामीनाथन ने, एम एस स्वामीनाथन से जब कहा तो इन्होंने कहा कितना सिंपल है, ऐसे पकड़ के ऐसे इसको ले गए, ऐसे दबा दिए, क्या बन गया, न्यूक्लियस बन गया। समझ में आ रहा है? इसी जीन में से, इसी जीन में से, जीन में से देखा उनके जो जीन में जो वो होता है, उनका कोड होता है, उसमें से पूछा उत्पादन वाला कोड कौन सा है भैया, जो उत्पादन क्षमता बढ़ाता है, जो उत्पादन क्षमता बढ़ाता है। तो इसमें कहा हमारे पास उत्पादन क्षमता कम है, किसने कहा, ये जो इस वाले घर से लेके आए हैं गेहूं का दाना, इसमें उत्पादन क्षमता कम है, नहीं है बताओ। अरे भैया उत्पादन क्षमता ज्यादा होती तो 202 क्विंटल का है होता, 1000 क्विंटल होता, तो गए फिर गड़बड़ हो जाएगा मामला। एक दूसरा गेहूं लेके आए, एक दूसरा गेहूं लेके आए दूसरे राज्य से, और दूसरे राज्य वाले को भी ऐसे खखोर के ऐसे जीन निकाली, देखो इस घर का ये है, इस घर का दाना ये है, इस घर का, और झारखंड से एक लेके आए, अरे गेहूं बहुत फेमस है पंजाब का, देखो पंजाब का, ध्यान से देखना नहीं तो सब उड़ जाएगा दिमाग के ऊपर से। पंजाब का एक दाना लेके आए, एक दाने में न्यूक्लियस को देखा, न्यूक्लियस के बाद क्रोमोसोम को, जीन को देखा, इस वाले जीन से पूछा तुम्हारी उत्पादन क्षमता कितनी है, इसने कहा हमारी बहुत जबरदस्त उत्पादन क्षमता है, इसमें से उत्पादन क्षमता के कोड को निकाल लिया, उत्पादन क्षमता के कोड को निकाल लिया, और कहां फिट कर दिया, यहां पे फिट कर दिया। बताओ समझ में आ रहा है? यहां जो उत्पादन क्षमता वाला कोड है उसको हटा दिया, और इस वाले पंजाब वाले गेहूं के जीन का उत्पादन क्षमता वाला जीन यहां फिट कर दिया, फिट कर दिया, कोई दिक्कत यहां, बताओ। और जब इसको फिट कर देंगे और फिर इसको समेट के पूरा एक दाना बना दिए,
और यही दाना किसको दे दिया इसी घर वाले ने, ऐसे कहे अब बो जाके तुम अपने खेत में, तब बताना कितना गेहूं हुआ। और ये जब बोएगा, इस बार जब बोएगा तो 200 किलो की जगह पे 1000 किलो होगा, 1000 किलो। तो बताओ ये किसान पगला जाएगा नहीं पगला जाएगा। इसी उत्पादन क्षमता को जो ये टेक्नोलॉजी लगाई है, इसी को कहते हैं हाई यील्डिंग क्रॉप। ये जो गेहूं टेक्नोलॉजी लगा के जो गेहूं बनाया, टेक्नोलॉजी लगा के जो जीन में फेर बदल करके, जीन में फेर बदल करके जो टेक्नोलॉजी लगा के ये दाना बनाया, इसी को क्या कहते हैं हाई यील्डिंग वैरायटी वाला गेहूं। समझ में आ रहा है? इसी प्रकार धान में करेंगे नहीं करेंगे, इसी प्रकार बहुत चीजों में होता है भैया। गोभी को अलग अलग प्रकार से बना देते हैं। अभी एक बैंगन देख रहा, बैंगन लौकी की तरह था, इतना बड़ा बैंगन होता है। उसमें क्या किए, वो लौकी वाला जीन बैंगन में घुसा दिए। अब बताओ उसमें जो लंबा वाला जीन था, जो लंबा करता था उसको, वो तो अब आ गया बैंगन में। तो बताओ बैंगन भी हो जाएगा लंबा, नहीं होगा, इतने इतने बड़े बैंगन होते हैं। जीन में फेर बदल जब देखी गवर्नमेंट ने, तो उसने कहा ये सब साइंटिस्ट बहुत खचरा, एक नंबर का, ये सब इंसान में भी जीन बदल देंगे। पता चला भैंस वाला जीन हमारे अंदर डाल दिया, हमारे अंदर भैंस वाला जीन डाल दिया, तो हम ऐसे ऐसे पूरा दिन क्या कहते हैं उसको है ना, और पता चला हमारे अंदर कोई शेर वाला डाल दिया जीन, तो हम जिधर चल रहे हैं गरज रहे हैं। हो जाएगा गड़बड़, नहीं हो जाएगा। गवर्नमेंट ने रोक लगा दी, कहा तुम सिर्फ ये इन पे सब पे ट्राई करो। बाबू स्वामीनाथन से क्या कहा, तुम और तुम्हारे ग्रुप वाले इन पे सब पे ट्राई करो, ठीक है, लेकिन इंसान पे ट्राई मत करना। क्रिस मूवी में जो काल है वो जीन में फिर बदल कर देता है, तो किसी की जुबान ऐसे निकल जाती बाहर, आइसक्रीम घसीट के लिए आता। और कोई एक कौन थी काया, वो तो अपना चेहरा ही बदल लेती। तो बताओ अगर आज जीन वाला सिस्टम चल रहा होता, जीन में फेर बदल वाला, तो हम पैसा लगा के कौन सा बनवाते, हम काया वाला सिस्टम बनवाते, कहीं भी जाते रूप बदल लेते, हो जाता नहीं हो जाता। तो यहाँ पे हम मोदी जी का रूप रख लेते, तो मोदी जी पढ़ा रहे, तो वीडियो वायरल हो जाती तुरंत, हो जाता नहीं हो जाता। इसीलिए गवर्नमेंट ने रोक लगा दी, जीन में मैनिपुलेशन हो सकता है, लेकिन किस पे होगा, क्रॉप पे, गोभी में करो, आलू में करो, सब में करो, लेकिन इंसान में ना करो। इंसान में कर दिए तो पूरी दुनिया ही बदल जाएगी। अब पता चला हमको काया बना दिया, हम अमेरिका निकल गए और वहां बाइडन बन के बैठे, हो जाएगा गड़बड़, नहीं हो जाएगा। इसीलिए इंसान में ये अवैध कर दिया गया। ये समझ में आ रहा है, ये जो इसमें बदलाव किए हैं, इसको कैसा बना दिए, उच्च उत्पादकता वाला, उच्च उत्पादकता वाला बना दिए, तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, हाई यील्डिंग वैरायटी क्रॉप, हाई यील्डिंग वैरायटी क्रॉप। अब किसी प्रकार से सब गेहूं धान को बना बना के खूब सारे बनाए और सबको बांट दिया, कहा अब तुम अपने घर वाली खेती मत करना। ये कौन से, ये जो पहला घर है ये घर वाली खेती करता था, उसी में से उगाता था, उसी को दोबारा बो देता था, ऐसा होता था। लेकिन अब जब तुम लोग खेती करते हो, घर में सुनते होगे कि हाइब्रिड वाला गेहूं लाए, हाइब्रिड वाला धान लाए, वो हाइब्रिड वाले में जीन मैनिपुलेशन किया गया है ताकि वो अच्छी ग्रोथ करे, अच्छा धान हो, गेहूं जल्दी होता नहीं होता, वो जल्दी भी होगा और उसको मतलब परफेक्ट बना देते हैं। परफेक्ट क्या बनाते हैं कि मान लो तुम्हारे गाँव में पानी कम है, और इसमें से जीन से पूछेंगे वो कौन सी जीन है जो ज्यादा पानी पीती है, तो एक जीन कहेगी हम है पाचा ज्यादा, तो हटा इसको हटा देंगे, और दूसरी वाली जीन जो कम पानी पीती उसको इसमें घुसा देंगे, कहेंगे आप चावल लेके जाओ इसमें दो पानी लगेंगे। ऐसे आते हैं चावल मार्केट में, तुमसे कहेंगे दो ही पानी में तैयार हो जाएगा, जबकि धान में बहुत पानी लगता है। उसी को कहते हैं हाइब्रिड यील्डिंग क्रॉप। वो हम मार्केट से लेके आते तो अपनी भाषा में बोलते हैं हाइब्रिड लाइन, कौन सा गेहूं, हाइब्रिड गेहूं लाए, उसमें जीन मैनिपुलेशन कर दिया गया। देखो सबसे स्टार्टिंग में किसने किया जीन मैनिपुलेशन भारत में एमएस स्वामीनाथन। तो बताओ किसको क्रेडिट जाएगा, एमएस स्वामीनाथन को।
तो बताओ हरित क्रांति का क्रेडिट किसको जाएगा? एमएस स्वामीनाथन। समझ में आ रहा है? यहां तक समझ में आ रहा? नोट डाउन करो बेटा। सबसे ज्यादा हरित क्रांति का फायदा उठाएगा पंजाब, सबसे ज्यादा हरित क्रांति का फायदा उठाएगा पंजाब। समझ में आ रहा? उत्तर पश्चिम उत्तर प्रदेश, पश्चिम उत्तर प्रदेश, पश्चिम उत्तर प्रदेश, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। सबसे ज्यादा पहले नंबर पे पंजाब, दूसरे नंबर पे पश्चिम उत्तर प्रदेश, तीसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश, चौथे नंबर पे तमिलनाडु। ये सबसे ज्यादा ये वाला गेहूं खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे? हाई यील्डिंग वैरायटी वाला। सबसे ज्यादा कौन सा राज्य खरीदेगा हाई यील्डिंग वैरायटी वाला? पंजाब। तो बताओ सबसे ज्यादा उत्पादन किस राज्य में होगा उस टाइम पे? पंजाब में। पंजाब में इतना उत्पादन हुआ था कि वो अकेला राज्य सारे राज्यों को खिला सकता था गेहूं, जब तक उनके पास गेहूं ना है। अब बताओ भारत को जाना पड़ेगा अमेरिका के पास घोड़े वाला दाना लेने? अब जब इतना इसमें गेहूं, गेहूं को सबसे ज्यादा प्राथमिकता मिली, अगर एग्जाम में आ जाए हरित क्रांति में सबसे ज्यादा प्राथमिकता किसको दी गई, तो गेहूं, गेहूं के बाद है चावल, पहला गेहूं, दूसरे पे चावल है। समझ में आ रहा है? अब इसमें सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करेगा? पंजाब करेगा। अब जब बहुत ज्यादा उत्पादन हो जाएगा, इकोनॉमिक्स वाला दिमाग लगाओ, अगर तुम्हारा बहुत राष्ट्र में बहुत उत्पादन हो गया तो रेट डाउन होगा कि उठेगा? डिमांड एंड सप्लाई, सप्लाई अगर ज्यादा हो गई, सप्लाई अगर ज्यादा हो गई तो डिमांड, रेट डाउन हो जाएगी, रेट ही डाउन हो गए। जब रेट डाउन हो गए तो गवर्नमेंट ने कहा तुम दिक्कत ना लो, तुम खेती करो, हम तुम्हारा क्रॉप खरीदेंगे एक न्यूनतम वैल्यू पे, एक ठीक ठाक वैल्यू पे, इतनी वैल्यू कि तुम्हारा मतलब वो भी निकल आएगा जो खेती में लगाए वो इनपुट, वो भी निकल आएगा और तुम्हारा जीवन यापन भी चलता रहेगा। ठीक है, इसी को आज क्या कहते हैं हम, एमएसपी। अगर गवर्नमेंट खरीद ले तुम्हारा गेहूं, अगर कोई ना खरीदे मार्केट में और गवर्नमेंट खरीद ले एक न्यूनतम रेट पे, तो उसको क्या कहते हैं? एमएसपी। समझ में आ रहा है? अब गवर्नमेंट ने पंजाब से गेहूं खरीदा, बताओ गवर्नमेंट उस टाइम पे इंदिरा गांधी सब खा जाएंगी? ये जितना गेहूं खरीदे सब इंदिरा गांधी खाएंगी? नहीं खाएंगी। वो क्या करेंगी? इसको स्टोर। तो बताओ सबसे बड़ा स्टोर मतलब बहुत ज्यादा इसका क्रॉप का स्टोरेज होगा ताकि हमको दूसरे पे निर्भरता ना रखनी पड़े। समझ में आ रहा? सबसे ज्यादा गेहूं चावल को स्टोर करेंगे ताकि अब अमेरिका से हमको घोड़े वाला दाना ना मांगना पड़े। बताओ समझ में आ रहा है? ये जो हम बताए जीन मैनिपुलेशन वाला, ये समझ में आया? जीन मैनिपुलेशन समझ में आया? ऐसी ऐसी गाय और भैंस है अपने भारत में, है ना, ब्राजील वगैरह से उनके जीन को ले लिया गया, मतलब उनका दूध देने की क्षमता है 100 लीटर, और उनके दूध देने की क्षमता वाला जीन भारत की गाय में डाल दिया गया, भारत की गाय में डाल दिया गया, और वो चकरा गए चलती और बहुत महंगी गाय बिकती, और वो 100 लीटर दूध देती है, है ना, जीन वाला सिस्टम समझ में आ रहा है? अब बताओ ये जो जीन बदल दिए गेहूं में, जीन बदल दिए, उत्पादकता क्षमता बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? अब जब खेती होगी तो हरा हरा सब दिखाई पड़ेगा, हरिहर हो जाएगा, सब हरा हरा दिखाई पड़ेगा, तो बताओ इसको क्या बोलेंगे? हरित क्रांति इंग्लिश में ग्रीन रेवोल्यूशन। अभी इसके मतलब आगे लेक्चर में हरित क्रांति फिर पढ़ाएंगे, मतलब हरित क्रांति तो नहीं, हरित क्रांति से लिंक करके सफेद क्रांति मतलब दूध क्रांति, है ना, नीली क्रांति मतलब मत्स्य क्रांति, ऐसे करके सब, पीली क्रांति मतलब तेल क्रांति, ऐसे करके पढ़ाएंगे, लेकिन उसमें लगेगा समय और हम पढ़ क्या रहे हैं, पंचवर्षीय योजना पढ़ रहे हैं, तो उसमें फिर सब खिचड़ी हो जाएगा, वो सिस्टम नहीं सही है। अब देखो चौथी पंचवर्षीय योजना कंप्लीट, चौथी पंचवर्षीय योजना में लाया गया था परिवार नियोजन कार्यक्रम, परिवार नियोजन कार्यक्रम। परिवार नियोजन का ये सिस्टम होता है कि मतलब तुम देखो
अगर तुमको बढ़िया खाना मिले, बढ़िया सब सिस्टम बढ़िया मिले, तो पॉपुलेशन बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? अब सब इसमें बढ़िया बढ़िया होगा ना, तो पॉपुलेशन भी बढ़िया होगी, और ज्यादा पॉपुलेशन हो जाएगी तो गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन हो जाएगा, मतलब बहुत दिक्कत आने लगती, बहुत जनसंख्या भी नहीं होनी चाहिए। या तो देखो जनसंख्या पूरी नहीं होती, ध्यान देना, पॉपुलेशन ज्यादा है तो बुरी नहीं है, अगर तुम्हारे पास हाथ ज्यादा है तो क्या बुरे हैं हाथ? अभी हम लोगों के पास 2 की जगह 10 हाथ होते हैं तो क्या खराब थे 10 हाथ? लेकिन अगर वो 10 हाथ होते, हमारे पास 2 की जगह 10 हाथ होते, लेकिन 2 ही चलते और 10 ना चलते, तो बताओ खराब थे नहीं थे? समझ में आ रहा है? भारत खूब जनसंख्या बढ़ाए, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है, लेकिन अगर स्किलफुल लोग हैं, स्किलफुल लोग हैं तो भारत बहुत आगे बढ़ जाएगा, अगर स्किलफुल नहीं है तो भारत पीछे जाएगा। समझ में आ रहा है? और बताओ उस समय स्किलफुल लोग होंगे, उस समय खाना पचाना और जाना बस ये 3 काम है ना, और वहां पे बहुत ज्यादा उस पे फोकस करते होंगे, स्किल पे फोकस करते होंगे, नहीं करते होंगे? तो बताओ स्किल पे नहीं फोकस करेंगे तो ये बर्डन बन जाएंगे, देश के लिए नहीं बन जाएंगे। तो प्रधानमंत्री बताओ कौन सी योजना लाएंगे? परिवार नियोजन। पहले प्रधानमंत्री बहुत सरल शब्दों में कहेंगे, भैया थम जाओ, ज्यादा जनसंख्या ना बढ़ाओ। कौन कहेगा? इंदिरा गांधी। पहले शांत शब्दों में अभी कह रही है, अभी ज्यादा जनसंख्या ना बढ़ाओ। अभी जब शांत शब्दों में कहेंगे कोई मानेगा? नहीं मानेगा। और जब नहीं मानेगा तब ये लेके आ जाएंगे वो नसबंदी। नसबंदी में कहेंगे जो लड़का वड़का मिल जाए, घूमता हुआ मिल जाए, और उसका सब कार्यक्रम खत्म कर दो, उसकी जो है नस को बांध दो, पॉपुलेशन अपने आप ही घट जाएगी। नहीं मान रहे हैं सब, पढ़ाते जा रहे। ये जो हम पढ़ा रहे तुमको, चौथी पंचवर्षीय योजना, इसी टाइम पे जनसंख्या विस्फोट माना जाता है। अगर जनसंख्या विस्फोट, एक एक घर में पूरी टीम तैयार है, एक घर में 12 लोग। अरे पहले लोग भी बहुत क्रोध होते थे, मतलब क्या 12 लोग हैं, अभी देखो आप 12 लोग हैं, उनको तुम अच्छा पढ़ा पाओगे? अच्छी शिक्षा मिल पाएगी? नहीं। पहले के लोग पता, देखो पॉपुलेशन कैसे पहले बढ़ जाती थी, एक घर में घर नंबर 2 इसमें है 8 लोग, और घर नंबर 1 में है 6 लोग, पर ये घर नंबर 1 वाला सोच रहा है कि इनके वहां 8 लोग हैं, ये 8 लोग अगर हमको मारने लगे पड़ोसी तो हम हार जाएंगे, तो हमको भी कितने बनाने चाहिए? 9, एक भारी होगा। आज जब ये 9 पे आ गए तो ये सोच रहा है 9 पे है तो हमको करना चाहिए 10, ये जब 10 हो गए तो ये सोच रहा है हमको करना चाहिए 11, ये 12। इसी को क्या कहते हैं? जनसंख्या विस्फोट। समझ में आ रहा है? जनसंख्या विस्फोट हुआ, तो जनसंख्या विस्फोट जब हो गया तो प्रधानमंत्री का दायित्व तो क्या था भैया? पहले समझाए, उसने पहले समझाया कि ये वाला कार्यक्रम भैया ना सेट करो, इनके समझाने से कोई मानेगा? नहीं मानेगा। तभी ये क्या लेके आएंगे आगे, जो पंचवर्षीय योजना पढ़ाएंगे 80-85 वाले दशक में, ये लेके आएंगे कि जो मतलब 4-5 के ऊपर जा रहा उसको खत्म ही कर दो, नसबंदी, उसको अभी बायोलॉजी में उसको कहते हैं वैसेक्टॉमी। वैसेक्टॉमी किसमें आएगा अभी आगे वाली पंचवर्षीय योजना में? वैसेक्टॉमी। एक वैसे डिफरेंस नस होती है, वैसे डिफरेंस नस को जबरदस्ती बनवा देती, कौन? इंदिरा गांधी। उसी को क्या कहते हैं? जबरन नसबंदी। जबरन नसबंदी कराएंगे, इनकी सरकार गिर जाएगी, दूसरी सरकार आ जाएगी मोरारजी देसाई की, तो कोई वोट देगा? ऑपरेशन कर देती है तो कोई वोट देगा इनको? इनकी सरकार धराशायी हो जाएगी। बताओ चौथी पंचवर्षीय योजना किसको किसको नहीं समझ में? चौथी पंचवर्षीय योजना में बिल्कुल सिंपल है भैया, गेहूं चावल हमारे पास नहीं थे, तीसरी पंचवर्षीय योजना में खाने को कुछ नहीं था, तो खाने पे फोकस करना था, खाने पे फोकस करते तो तब जब वैरायटी ऑफ क्रॉप होते, मतलब अच्छी उत्पादकता वाले क्रॉप ही नहीं थे, किसान से कहा तुम किसानी करो, वो कहता हम कैसे किसानी करें, मतलब हम सब कुछ करते, पानी वानी सब सिस्टमेटिक ढंग से करते, लेकिन हमारे वहां उत्पादन क्षमता बस इतनी है, हम 200 किलो ही निकाल सकते हैं बस। तो प्रधानमंत्री दिमाग लगाएंगे और दिमागी इंसान से पूछेंगे बताओ उत्पादन क्षमता कैसे बढ़ाई जाए, और वो दिमागी इंसान कौन है?
एमएस स्वामीनाथन, एमएस स्वामीनाथन कहेंगे अच्छा तो हम इस सेल को निकाल लेंगे, सेल के बाद सेल में न्यूक्लियस को निकालेंगे, उसमें जीन में फेर बदल कर देंगे, उच्च उत्पादन वाला पंजाब वाला जो जीन है वो डाल देंगे उत्तर प्रदेश वाले में, उत्तर प्रदेश वाले में डाल देंगे, तो पंजाब वाले में भी खूब उत्पादन और उत्तर प्रदेश में भी खूब उत्पादन, और फिर उत्तर प्रदेश वाले जीन को किस में डाल देंगे, अरे दूसरे देश में मध्य प्रदेश, इनमें सब में डाल देंगे, तो पूरे भारत में खूब उत्पादन होगा नहीं होगा, और यही हुआ, और इसी को जब खूब उत्पादन हुआ तो प्रधानमंत्री ने अपने वहां दिल्ली से देखा सब हरा हरा दिख रहा है, उनको सब हरा हरा दिखा, हेलीकॉप्टर से जा रही थी उनको सब हरा दिखा, तो उन्होंने कहा अब आगे हमारे वहां क्या हरित क्रांति, हरित क्रांति, जब सबके वहां खूब गेहूं चावल दूध बढ़िया सब जबरदस्त हो रहा है, तो ये लोग बताओ पॉपुलेशन बढ़ाएंगे नहीं बढ़ाएंगे, ये एक दूसरे को ऐसे ठोक रहा है, तुम्हारे वहां 8 है तो हमारे वहां 9 है, जब मन हो तो निपट लेना, तो बताइए 9, 10, 11, 12 वाले चक्कर में पॉपुलेशन बहुत पीक पे जाने लगेगी, जनसंख्या विस्फोट, ये जो 8, 9, 10 होते थे इसमें से तो पढ़ने वढ़ने कोई सिस्टम ही नहीं था, जिसकी मर्जी पढ़ने जाओ, जिसकी नहीं मर्जी है तो कुछ तो इंसान जब है जिंदा है तो कुछ तो करेगा ही, इन लोगों का ये मतलब फोकस था, गांव में सबसे ज्यादा ये आज भी फोकस किया जाता है, अगर 4-5 घूम रहे हैं अब पढ़ता, मतलब वो 4-5 होंगे तो अभी अच्छे स्कूल में पढ़ाओगे तो पढ़ता 2,000 रुपये 3,000 रुपये एक बच्चे की फीस है, और 4-5 पढ़ने जाएंगे और वो पिताजी कमाते हैं 10,000 रुपया 9,000 रुपया कमाते हैं, तो बताओ जितने कमाते उससे ज्यादा तो उनकी फीस जाएगी, अगर एक ही होता तो सब सिस्टम सही रहता, नहीं रहता, हम कह रहे एक ना हो चलो हम दो हमारे दो वाला तो सिस्टम ठीक है, दो तक ठीक है, लेकिन टीम तैयार कर देते हैं, क्या टीम तैयार कर दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा है ना, और ये जब टीम तैयार किए तो इंदिरा गांधी ने पहले सरल शब्दों में कहा परिवार नियोजन कार्यक्रम हम ला रहे हैं, लेकिन इनकी बात कोई नहीं सुनेगा, ठीक है अभी आगे वाली योजना में देखना, जब इनकी बात कोई नहीं सुनेगा तो अब बहुत गुस्सा वाली है इंदिरा गांधी, इनको कहते हैं फीमेल डॉन, ये बहुत खतरनाक है, इनकी जो नहीं सुनता है इमरजेंसी फट से इमरजेंसी पीट पाट के किनारे करो उसको, ठीक है अब डालो पांचवी पंचवर्षीय योजना, लेकिन ये सब भी बहुत होशियार थे, जब ये नसबंदी वाला कार्यक्रम नहीं तो सरकारी गिर गई थी, तो ये कार्यक्रम फेल हो जाएगा नहीं फेल हो जाएगा, एक वो सरकारी गाड़ी होती थी एम्बुलेंस टाइप की गाड़ी होती थी, उसमें डॉक्टर बैठ के चलते थे रोड पे चल रहे, जो मिल रहा उसको जबरदस्ती कार्यक्रम समाप्त होंगे, ठीक है, तो मतलब इंसान अगर व्हाइट कलर की देख लेता था गाड़ी मतलब खेत में काम करना, और व्हाइट कलर का देख लिया बैल आ रहा तो भाग जाता था कि सरकार आ रही ना सुनती कर ले, इतना मतलब प्रकोप आ गया था इंदिरा गांधी का। अब कौन सी पंचवर्षीय योजना है, पांचवी पंचवर्षीय योजना, पांचवी पंचवर्षीय योजना लगा, डेट डालो इसकी 1974 से 1978 देखना, अभी गड़बड़ हो जाएगा मामला, अभी आ जाएंगे सब पॉलिटिक्स में फेर बदल हो जाएगा, फेर बदल के कारण मोरारजी देसाई आ जाएंगे और मोरारजी देसाई रोलिंग प्लान लाएंगे, अभी आगे पढ़ा रहे, पहले डेट डालो 1974 से 1978 प्राथमिकता देंगे गरीबी उन्मूलन प्राथमिकता, गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता, गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता, इस मॉडल को पांचवें मॉडल को कहते हैं डीपी धर मॉडल, पांचवी पंचवर्षीय योजना में जो मॉडल है किसका मॉडल है, इस मॉडल को कहते हैं डीपी
धर मॉडल, डीपी धर मॉडल कहते हैं। इसमें इसी पंचवर्षीय योजना में सबसे इंपॉर्टेंट बता रहे हैं, इसी पंचवर्षीय योजना में 20 सूत्री कार्यक्रम, इसी पंचवर्षीय योजना में लिखते जाओ, इंपॉर्टेंट है स्टार लगा लो, 20 सूत्री कार्य क्रम लाया गया। और इसी 20 सूत्री कार्यक्रम में एक कार्यक्रम कौन सा है, नसबंदी का कार्यक्रम, ठीक है, जबरन नसबंदी वाला कार्यक्रम, समझ में आ रहा है, 20 सूत्री कार्यक्रम लाया गया। इसमें अनुमानित लक्ष्य रखा था, अनुमानित लक्ष्य रखा था देश की कमाई हम करेंगे 4.4, देश की कमाई कितनी करेंगे, अनुमानित लक्ष्य, देखो ये अनुमानित लक्ष्य ना भी याद रहे तो इतना ज्यादा दिमाग पे जोड़ना, 4.4 करेंगे, 4.4% जीडीपी, जीडीपी का देश की कमाई को क्या कहते हैं, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। प्राप्त लक्ष्य है 4.8% जीडीपी, समझ में आ रहा है, अब अच्छा लग रहा नहीं लग रहा है, अनुमानित लक्ष्य 4.4 लेकिन देश की कमाई कितनी हुई 4.8, तो देश की कमाई बढ़ी तो खुश हो रहे हैं, नहीं खुश हो रहे हैं, लेकिन इसमें ये खराब वाली बात क्या है, इसी में कार्यक्रम कौन सा है, नसबंदी कार्यक्रम, समझना, नसबंदी कार्यक्रम, जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए जबरन क्या होता था, ऑपरेशन, जिसमें इसको इंग्लिश में कहते हैं वैसेक्टॉमी, जो वैसे डिफरेंस एक नस होती है, ठीक है, जहां से मेल सीमेन निकलता है, जहां से मेल सीमेन निकलता है उसी नस को क्या करते थे, जबरदस्ती गांठ मार देते थे, यहां पे जिसको बांध देते थे, ऐसे बांध देते थे, इसको बांध देंगे तो देखो नस को बांध दिए तो क्या कहोगे, नसबंदी, और नसबंदी कार्यक्रम से सब परेशान होंगे, नहीं होंगे, जब सरकार गिर जाएगी और एक दूसरे इंसान आएंगे जो कहेंगे हम किसी की नस नहीं बंधवाएंगे, उनका नाम क्या है, मोरारजी देसाई, वो कहेंगे भैया खूब जनसंख्या बढ़ाओ, उनको कोई दिक्कत नहीं, मोरारजी देसाई इंदिरा गांधी से एकदम संतुष्ट नहीं थे, तो इसलिए ये पंचवर्षीय योजना को बंद करा के रोलिंग प्लान होता था, एक एक साल का होता था। अब कल बताएंगे, कल निपटा देंगे, कल 6th, 7th, 8th, 9th, 10th 12 पंचवर्षीय योजना है टोटल पढ़नी, ठीक है, पंचवर्षीय योजना के बाद आता है नीति आयोग, ठीक है, अभी आज तक पंचवर्षीय योजना पांचवी हो गई कंप्लीट, अब कल 12 तक निपटा देंगे, उसके बाद नीति आयोग पढ़ना नहीं है, ठीक है, उसके बाद फिर नेशनल इनकम वगैरह स्टार्ट करें।